हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षा ओझा ब्लॉग्स। तो अगर आप भी नॉर्मल स्प्राउट्स खा खा के बोर हो गए हैं तो मैं आपको आज ऐसे बताने वाली हूँ ऐसी रेसिपी जो आपको स्प्राउट्स के साथ में आपको बहुत टेस्टी लगेगी, आपको खाने में मज़ा आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने चने और छोले पहले से उबाल के रख लिए थे। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बनाना लिया है और मिर्ची, खीरे और एप्पल काटा है, टमाटर मिर्ची काटी है और ये थोड़े से किशमिश लिए हैं। किशमिश से इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे जो मैंने चने और ये छोले उबाले थे वो आप यहाँ पे मिक्स कर लो, अच्छा प्रोटीन होता है इनके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसमें जो भी आपने जो वेजिटेबल काटा है जो आपको पसंद है वो इसमें मिला लो, जैसे खीरा मिला लिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी अनियन। अनियन के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी मिर्ची। मिर्ची के बाद मैंने इसमें ऐड किया है ये टमाटर। टमाटर के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने किशमिश भिगोए थे, रात भर भिगो के रखे थे, ये वो किशमिश डाले हैं इसके अंदर। देन इसके बाद एप्पल भी काटा था मैंने, एप्पल बनाना और किशमिश, इनसे थोड़ा इसमें थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा मीठा चाट जैसा लगेगा आपको ये खाने पर, आप खा के बोर भी नहीं होगे इसको। फिर जो इसमें लास्ट जो मैंने ऐड किया है वो मूंग ऐड की है, ये भी मैंने रात भर भिगो के रखी थी, इसको मैंने उबाला नहीं है। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें नींबू डाल लीजिए। नींबू डालने के बाद जो इसमें लास्ट सबसे बड़ा जो मैन है वो है चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इसे ऐसे अपने अपने लंच में लेके जा सकते हैं, लंच में आप वहाँ पे अपने ऑफिस वगैरह में कैरी कर सकते हैं। आप जैसे 5 बजे इसमें एज ए ब्रंच इसको ले सकते हैं या मॉर्निंग में आप खाली पेट, मतलब जब खाली होते हैं एक्सरसाइज करके आते हैं तब इसे ले सकते हैं।